क्यों लिखना है? टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स, ताकि बच्चों की नामों की लिस्टें बनाई जा सकें। वैन, कब लिखना है जी, कितने वक्त में लिखना है? विद इन अ वीक, एक हफ्ते में लिखना है। वेयर, कहाँ लिखना है? स्कूल में लिखना है। ठीक है जी, फिगर 1.2, ये देखें, ये थी, उसमें क्या है, शोज दैट मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम वेयर द रेड लाइट रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम। देखो जी, जब प्रॉब्लम होती है तो आप स्टॉप हो जाते हो, जब येलो होती है तो एनालिसिस कर रहे हो, जब ग्रीन हो जाती है तो आप क्या करना शुरू कर देते हैं, सोल्यूशन के ऊपर रन करना शुरू कर देते हो। कहते हैं जी, येलो लाइट्स रिप्रेजेंट द एनालिसिस एंड द ग्रीन लाइट रिप्रेजेंट द सोल्यूशन, इट शोज दैट प्रॉब्लम एनालिसिस मेक अस क्लोजर टू सोल्यूशन। उससे हमें ये बात फाइनल हो रही है कि जितना हम एनालिसिस करेंगे उतना हम सोल्यूशन के करीब चले जाएंगे। तीसरा इसका सोल्यूशन का स्टेप है जी, प्लानिंग। सोल्यूशन के प्लान किया जाता है किसी को हल करते वक्त। कहते हैं आफ्टर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद बेटे उसको हम क्या करते हैं, तीन स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। यह चौथा हमारा होता है जी, इसको प्रोटोटाइप बनाना, उसका फ्लो चार्ट बनाना, उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में लेके आना किसी एल्गोरिथम को, फिर ये हम इसको सॉल्व करते हैं। आफ्टर प्लानिंग द प्रॉब्लम वी फॉर्मुलेट अ प्लान दैट मे लेड अस टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। दिस फेज इंक्लूड्स फाइंडिंग द राइट स्ट्रेटजी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। सम ऑफ द स्ट्रेटजीज आर, कुछ बयान की गई हैं, डिवाइड एंड कंकर। इस कंडीशन में, डिवाइड एंड कंकर कंडीशन में हम क्या करते हैं बेटा, कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को हम तोड़ के छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में चेंज कर लेते हैं जो सॉल्व करना ईजी होती है। दिस स्ट्रेटजी डिवाइड द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन टू स्मॉलर प्रॉब्लम। गेस, चेक एंड इम्प्रूव, क्या करते हैं हम इसमें, इस स्टेप पे किसी भी प्रॉब्लम के लिए गेस का अंदाज़ा करते हैं कि इसको ऐसे सॉल्व किया जाए तो ऐसे हो जाएगा। जब गैस, फिर हम उसको चेक करते हैं गैस लगा के क्या क्या आइए इस तरह सॉल्व हो जाएगा। देन उसको अगर कोई कमी बेशी रह जाए फिर हम उसको इम्प्रूव करते हैं। द डिजाइनर गैसेज द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम एंड देन चेक्स द करेक्टनेस ऑफ अ सॉल्यूशन। इफ द सॉल्यूशन इज नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन देन ही रिफाइन द सॉल्यूशन। द रिफाइनमेंट इज एन इटरेटिव प्रोसेस। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है जी, कि इसमें आपके पास बेहतरी के बड़े ज़्यादा स्टेप्स होते हैं। ठीक है जी, एक्ट इट आउट। एक्ट इट आउट में ये होता है कि जो एक प्रोग्रामर है जब एक उस स्टेप्स की लिस्ट बना लेता है, फिर उसको अप्लाई करते वक्त वो चेक करता है कि इसमें कोई कमी पेशी तो नहीं रहेगी। इन द स्ट्रेटजी द डिजाइनर डिफाइंस द लिस्ट ऑफ टू डू टास्क, कि उसने क्या क्या किया। आफ्टर वर्ड, इसके बाद ही परफॉर्म द टास्क, पहले उसको स्केच आउट कर लेते पेपर पे, फिर उसको करता है। प्रोटोटाइप्स क्या होता है, ड्रॉ किया जाता है। दिस टेक्निक्स ड्रॉ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसको पेपर पे ड्रॉ किया जाता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर। इट इज़ नॉट फाइनल सॉल्यूशन, ये फाइनल नहीं होता, बट इससे ये होता है कि डिजाइनर को मदद मिल जाती है ताकि इसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं उनको वो समझ पाए। ठीक है जी, डिफाइनिंग कैंडिड सॉल्यूशन। कैंडिड सॉल्यूशन क्या होता है जी, कैंडिड सॉल्यूशन का वर्ड जो है वो उसका मीनिंग होता है स्पॉन्टेनियस, अचानक एंड अनप्लान्ड, वो जो बेमनसूबा चीज़ हो। मिसाल के तौर पर उसने एक एग्जांपल दी है, इफ़ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, कि अगर आप अपने स्कूल में बच्चों के तादाद जानना चाहते हैं, हु कैन प्ले क्रिकेट, जो क्रिकेट खेल सकते हैं, यू कैन एस्टिमेट बाय फाइंडिंग क्रिकेट प्लेयर्स इन योर क्लास, आप अंदाज़ा लगाएंगे कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं जो क्रिकेट खेल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 10 बच्चे हैं जो आपकी क्लास में क्रिकेट खेल सकते हैं। एंड देन मल्टीप्लाई इट बाय द टोटल नंबर ऑफ क्लासेज इन योर स्कूल, फिर आप देखेंगे आपके स्कूल में कितनी क्लासेज हैं। जस्ट सपोज आपके स्कूल में 10 क्लासेज हैं तो आपके क्लास में 10 बच्चे थे, लिहाजा आप 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और अप्रॉक्सीमेट आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा 100। योर आंसर इन दिस वे इज कैंडिड सॉल्यूशन, इस तरह जो आपके पास आंसर है वो कैंडिड सॉल्यूशन है। टू फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर, लेकिन एग्जैक्ट आपकी तादाद तब निकलेगी, यू हैव टू ऑप्ट सम अदर वे, आपको कुछ और तरीका अपनाना होगा, लाइक विजिटिंग ईच क्लास और गेटिंग डेटा फ्रॉम टीचर्स, हर क्लास जाएं और जाके टीचर से पूछें कि आप क्लास में कितने बच्चे खेल सकते हैं। वन कैन थिंक ऑफ ए कैंडिडेट सॉल्यूशन एनी टाइम, कोई भी कैंडिडेट सॉल्यूशन का बारे में सोच सकता है किसी वक्त। अ कैंडिडेट सॉल्यूशन कैन हेल्प टू सेव टाइम, एक वक्त की बचाव का जरिया है कैंडिडेट सॉल्यूशन। इन फिगर 1.4 में ये देखें बनाया गया है, ये एक वॉल है, इसके पार जाने के तीन तरीके हैं, एक तो ये कि इसे जंप करके आगे चले जाओ, एक राइट से टर्न हो जाओ और एक लेफ्ट से टर्न हो जाओ। ठीक है जी, इस ये उसने एक एग्जांपल दिया है कि आप इसको तीन तरीकों से वॉल के दूसरी साइड पे जाया जा सकता है जी। हमारा इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। किस बेस्ट सोल्यूशन को कैसे सिलेक्ट किया जाता है,
कहते हैं समटाइम वी फाइंड मोर देन वन सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम के कई सोल्यूशन हमें मिल जाते हैं, एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन अमंग अस देम, और उनमें से एक को सेलेक्ट करना होता है जो सबसे बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, अज्यूम द नेम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन योर स्कूल आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। फर्ज करें सारे बच्चों के नाम जो स्कूल में आगे पढ़ते हैं एक वेबसाइट पर हैं, एंड यू आर आस्क्ड, और आपको कहा जाता है टू सर्च अ पर्टिकुलर नेम, एक खास बच्चे का नाम ढूंढो। यू कैन सॉल्व दिस, आप इसे हल कर सकते हो सर्च प्रॉब्लम बाय आइदर ऑफ फॉलोइंग मेथड्स, कुछ तरीके बयान किए गए हैं। लुक एट ईच नेम ऑन द वेबसाइट वन बाय वन अनटिल द नेम इज फाउंड। क्या करें जी, स्क्रॉल करते जाएं, एक एक करके नाम ढूंढते जाएं। दूसरा ऑप्शन है टेक प्रिंट आउट्स एंड सर्च द रिक्वायर्ड नेम। प्रिंट आउट लें पेपर पे, जैसे ये मेरा प्रिंट आउट है आपकी बुक का, ठीक है जी, तो क्या करेंगे आप उसके ऊपर उसको हाईलाइट कर लें नाम ढूंढ के। तीसरा है कॉपी नेम्स, वो वेबसाइट से यहाँ से कॉपी करें नेम्स सारे एक्सेल के अंदर, एंड सॉर्ट देयर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और उनको एक कमांड दें कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएं। सर्चिंग इन द सॉर्टेड लिस्ट इज कंपैरेटिवली इजी। तो जब आपने, फर्ज करें आपने वाजिद नाम ढूंढना है या आपने शबीर नाम ढूंढना है, वाजिद को ढूंढने के लिए आप डब्ल्यू वाली साइड पे चले जाएंगे, शबीर को ढूंढने के लिए वो एस वाली साइड पे चले जाएंगे, फातिमा को ढूंढने के लिए एफ वाले अल्फाबेट्स के ऑर्डर में चले जाएंगे, तो ये इजी है। उसके बाद चौथा एक ऑप्शन है, जस्ट प्रेस कंट्रोल एफ व्हेन द लिस्ट इज अवेलेबल इन द वेब ब्राउजर। जब वेब ब्राउजर पे आपके पास लिस्ट आ जाए, आप कंट्रोल एफ प्रेस करें, यू कैन टाइप द नेम, तो आप एक सर्च बॉक्स आ जाएगा, उसके अंदर आप नाम टाइप करें और एंटर करेंगे तो आपके पास नाम इजीली आ जाएगा। देयर कैन बी अदर सॉल्यूशन एज वेल, और भी कुछ सॉल्यूशन हो सकते हैं। नाउ वी कैन आइडेंटिफाई अ सॉल्यूशन, अब हम किसी सॉल्यूशन को पहचानते हैं दैट हैज लेस नंबर ऑफ स्टेप्स, ऐसे को तलाश करने की कोशिश करते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें स्टेप्स कम हो और दैट सीम मोर इफेक्टिव बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, और ये बेहतरीन तरीके से हल करने की सलाहियत रखता हो किसी भी मसले को। जी, थैंक यू सो मच।